नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और अपना हम लोग जो डेली जीएस का सेशन है उसे लेकर आ चुके हैं, और जिसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग सेक्शंस पे जीएस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, तो आप लोग इसे बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें। और जिनका 24 अक्टूबर को पेपर है तो जरूर देखें। साथ साथ आरओ के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, यूपीएसआई के लिए, लेखपाल मेंस के लिए, सभी सेशंस के लिए, ये जो है सभी एग्जाम्स के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको करेंगे हम लोग छोटे से पर्चे के साथ शुरुआत करेंगे। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से, साथ में एलएलबी हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर आप लोग को यहाँ पर मैं प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ। अकेडमिक किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना, रेफरल कोड के रूप में आप मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकेडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डालें आप। उसके बाद सर्च गोल में आपको सर्च करना है UPPSC एंड UPSSSC। सर्च करने के बाद आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगे, जिसको अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 डालना है आपको। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन पढ़ने का मौका, अपॉर्चुनिटी, बेस्ट एजुकेटर्स जुड़ने का मौका, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर, पेडागॉजी, स्टडीजी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलते हैं। एकेडमिक ऑफर की बात करें तो 15,000 क्वेश्चनों का सेट मिलता है आपको पुराने, और इसके साथ साथ नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं। वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, मेंस की टेस्ट सीरीज मॉडल आंसर के साथ यहाँ उपलब्ध है आपको PCS के लिए, और 10 साल के पुराने क्वेश्चंस बैंक आपको यहाँ उपलब्ध होते हैं। 100 नामक फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है UPSI के लिए, इसको अनलॉक करने के लिए, फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड PS10 है। और मिशन खाकी नाम से एक नई टेस्ट सीरीज है, उसका भी शुरुआत हो चुकी है, जो कि प्लस के लिए है। ऑफर के तहत 12 महीने कोर्स पे 3 एक्स्ट्रा मंथ, 24 महीने कोर्स पे आप 4 एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्रज्ञ नामक एक बैच जो है शुरू हो चुका है 5 अक्टूबर से, आप इसकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो कि करंट अफेयर्स के लिए है। इसी क्रम में आपका नया बैच जो है एक लेखपाल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो कि कंप्लीट क्रैश कोर्स है लेखपाल मेंस के लिए। सारे टीचर्स के जो है टॉपिक यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे आपके सारे। मेरी क्लासेस आपको 7 अक्टूबर शाम 6 बजे मिलेंगी। प्रज्ञ नामक है कि करंट अफेयर का और यूपी स्पेशल का नया बैच है। बच्चों में जो कन्फ्यूजन होता है अपर लोअर आरओ UPSI UPSSSC लेखपाल BO और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, क्या अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। फीस की बात करें तो 24 महीने की फीस मात्र 12,240 रुपये है, 510 रुपये महीने पर भी ले सकते हैं। 12 महीने की फीस आपकी 8,415 रुपये है, जो कि 701 रुपये मंथली पे ले सकते हैं। इसी क्रम में 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने की फीस भी आप ले सकते हैं, और सबको 10% आपका डिस्काउंट आपको लेने के लिए यहाँ पर मेरा कोड PS10 यूज करना है। यहाँ ऑफर के तहत आपको 4 एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन है और यहाँ 3 एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। एक बिहार और यूपी कम्बो सब्सक्रिप्शन तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है 67th BPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर आपने ना भरा हो तो भर दीजिए। और यूपी और बिहार की कंबाइंड तैयारी आप कर सकते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यूपी और बिहार का लेके, मात्र 6 महीने और 12 महीने में से किसी का भी ले सकते हैं, 7,960 और 10,620। तो बहुत अच्छा ऑफर है, यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट के लिए आपको रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करना है। बक्स बाउंटी कार्यक्रम में किसी प्रकार के वीडियो किसी में दिक्कत है आपकी, शिकायत अनअकैडमी कर सकते हैं आप। स्पेशल क्लासेस फ्री सेशंस आपको अनअकैडमी ऐप पर मिलते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री क्लासेस, फ्री MCQ सीरीज, आप किसी फ्री क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके। मैंने तरीका बता दिया है आपको, जो फ्री क्लासेस अनलॉक करने के लिए आपसे कोड मांगा जाएगा, आप मेरा कोड PS10 डाल के क्लासेस फ्री वाली अनलॉक कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पॉलिटी के MCQs करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, नॉर्मल से नहीं, नॉर्मल से थोड़े से हाई क्वालिटी के MCQs हैं, जिसको आप लोग जरूर करें, जो हम लोग करते हैं उससे इतर हैं थोड़े ये। चलिए शुरुआत करते हैं अपना हम। तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का प्रावधान किया था, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो जो आप लोगों को पता, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर क्या हुआ था, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। तो जो उन्होंने मूल रूप से बात की थी, कितने की थी, ध्यान दीजिएगा, आंसर है 8। बहुत लोग इसका आंसर 10 लगा देंगे, मत लगाइए, गलत हो जाएगा, ठीक है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि संविधान समिति, स्वर्ण सिंह समिति ने जो है ना कुल मूल रूप से 8 क्या कहते हैं कि मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की थी, लेकिन सरकार ने जब जोड़ा तो उसमें 10 कर दिया, 2 अपनी तरफ से लगा दिया। तो उन्होंने जो अनुशंसा की थी 8 की थी, और वर्तमान में हमारे यहाँ मूल कर्तव्य कितने हैं, कुल 11 है। इनमें से किस देश में नीति निदेशक तत्व का प्रावधान नहीं किया गया है, नहीं किया गया पूछा, भारत, आयरलैंड, कनाडा या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये विकल्प थोड़ा सा गलत बन गया है, इसका गलत तेरा टाइपिंग हो गई है, ध्यान दीजिएगा। भारत और आयरलैंड दो ही एक ऐसे देश हैं जहां पर DPSP का प्रावधान है, इसके अलावा कहीं पर कोई प्रावधान नहीं किसी देश में। और भारत ने जो DPSP का प्रावधान लिया, कहां से लिया, आयरलैंड से लिया है।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भाग चार के प्रावधानों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। भाग चार में क्या है आपका? डीपीएसपी है, और आपको पता है डीपीएसपी को क्या किया जा सकता है? न्यायालय में प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। ये पूछा जा रहा है तो किस आर्टिकल में ये बात कही गई है। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। आंसर थ्री का ध्यान दीजिएगा, बी अनुच्छेद 37। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 37 में प्रावधान किया गया कि जो डीपीएसपी है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। ध्यान दीजिएगा, अभी तक सिक्किम पूछता रहा है लेकिन भविष्य में आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। भाई देने का प्रयास करें उत्तर सभी लोग। आंसर है फोर का ध्यान दीजिएगा, बी 53। 53वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 103वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? चार विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर पांच किससे संबंधित था बेसिकली ये, तो ध्यान दीजिए। अब ये था आपका राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसे असंवैधानिक करार दे दिया था, लेकिन 103वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु या सेवा कर यानी का प्रावधान करता है? जीएसटी का के बारे में किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी प्रावधान किया गया है, सवाल पूछा जा रहा। अच्छा सवाल है, बताने का प्रयास सभी लोग करें। जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, 101वां। बिल्कुल ठीक है सभी लोग का, 101वां संविधान संशोधन विधेयक, ये जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से क्या हुआ था, जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था। इम्प्लीमेंट भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। नहीं है मतलब कि कौन जो है जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं शामिल होता है। चार विकल्प हैं आप लोगों के सामने, फटाफट रिस्पॉन्स करने की कोशिश करें सभी लोग। देखिए इसका आंसर होगा आपका अधिकरण न्यायाधीश। ध्यान दीजिएगा, अधिकरण जो होते हैं कैट सैट जो इरडा एनजीटी ये जो अधिकरण होते हैं ना, ये जो होते हैं जिला न्यायाधीश के अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं होते। सेना सेशन न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये सभी जो है समकक्ष हैं और जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अधिकरण का न्यायाधीश जो होता है इनसे ऊपर होता है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, इस रिट याचिका को क्या कहा जाता है? चार विकल्प हैं, पढ़े क्वेश्चन नंबर एट देने का प्रयास करें सभी लोग। क्या कहते हैं भाई क्वेश्चन नंबर एट? मैनेडमस। ध्यान दीजिएगा, मैनेडमस बोला जाता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है यह रिट याचिकाएं जारी करता है। निम्न में कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य के परीक्षण कार्य पद्धति का परीक्षण कौन करती है? उत्प्रेक्षण से, परमादेश से, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण? क्वेश्चन नंबर नाइन। तो अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को उनके कार्य पद्धति का परीक्षण किसके माध्यम से करेगी? उत्प्रेषण लेख से। ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेषण लेख से। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बार आया हुआ सवाल है, इसमें गलती करते हैं लोग, इसमें इसमें कंफ्यूज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 200-201 में आंसर है 200। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल जो आरक्षित रखेगा ना, राज्यपाल जो आरक्षित रहेगा राष्ट्रपति के विचार के लिए, वो 200। और इस और राज्यपाल जो जैसे राष्ट्रपति को भेज देता है और उसको अगर राष्ट्रपति अपने पास रख ले तो वो किस आर्टिकल के तहत रखेगा? राष्ट्रपति 201 के। अब यहाँ पूछा राज्यपाल, तो राज्यपाल किससे रखेगा? आर्टिकल 200 से रखेगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? सत्यपाल मलिक, राधाकृष्ण माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू या एन एन वोहरा? बताएं फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 किसे किया गया भाई? क्वेश्चन नंबर 11 गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया? चार विकल्प, फटाफट रिस्पॉन्स करिए। कौन जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है, किसको ये अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 रिस्पॉन्स करने का प्रयास सभी लोग जरूर करें।
इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो भाई कौन करेगा संसद, ध्यान दीजिए किसके पास शक्ति है, ये संसद के पास। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों का लोकसभा और राज्यसभा में किस अनुपात से लिया जाता है, ये भी कई बार आया हुआ सवाल एग्जाम में है, किस अनुपात से जो है लोकसभा और राज्यसभा में लिया जाता है, जो स्थायी समितियां हैं लोक लेखा प्राकलन, ठीक है, ये जो समितियां होती हैं इसमें किस अनुपात से लोकसभा और राज्यसभा से मेंबर्स को लिया जाता है। तो आंसर है आपका 2:1, ध्यान दीजिएगा 2:1 से, यानी 2 लोग लोकसभा से तो 1 लोग राज्यसभा से लिए जाते हैं। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, बहुत आसान सवाल है, यह धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करता है और इसका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है ये, कौन करेगा, सभी लोग रिस्पॉन्स करें, बहुत ही आसान सवाल, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्धारण कौन करता है भाई, ध्यान दीजिएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। निदेशक तत्व हैं कठोर लचीले अवाद्य योग्य वाद्य योग्य, यानी डीपीएसपी के बारे में बात हो रही है, थोड़ी देर पहले एक सवाल में आया भी था इस तरीके का, आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है, इनको न्यायालय में प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, तो क्या हो सक जाएगा सर, अवाद्य योग्य, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे किस इसमें हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता, बहुत अच्छा सवाल है, बताएं, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा पारसियों को जो है हिंदू शब्द के अधीन जो है शामिल नहीं किया गया आर्टिकल 25 में, ठीक है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है, 15, 17, 21 या 22, किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया भाई, क्वेश्चन नंबर 17, करें सभी लोग रिस्पॉन्स जरूर से, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 22 के माध्यम से, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, आंसर है 22, अनुच्छेद 22 के माध्यम से क्या है, किसी बंदी गणा व्यक्ति के जो है अधिकारों की रक्षा है आर्टिकल 22 में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, संपत्ति अर्जित करने का, व्यक्ति की स्वतंत्रता, दो विकल्प और है, पढ़ के फटाफट आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। गैर नागरिकों का मतलब भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को, तो क्या है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, मतलब कोई उनके संवैधानिक जो अधिकार हैं आर्टिकल 32 एक तरीके से कह सकते हैं आप, संवैधानिक उपचारों का अधिकार उनको मिलता है, ठीक है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों का मतलब हुआ यहाँ पर भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी, क्वेश्चन नंबर 19, तो कौन सा मिलेगा, जल्दी से रिस्पॉन्स करें सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ध्यान दीजिएगा ये जो है सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध होता है, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किस चीज का, 4 विकल्प हैं, फटाफट रिस्पॉन्स कीजिए, किस चीज का दावा नहीं कर सकता जो भारत में कोई ब्रिटिश नागरिक या कोई भी विदेशी नागरिक कर रह रहा हो, तो एक किस 4 में से किस चीज का दावा वो नहीं कर सकता, क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल सही है, आंसर है आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसे नहीं मिलता, ठीक है, बाकी सारे उसको अधिकार जो ऊपर लिखित हैं वो मिलते हैं। संविधान में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर है आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा, आर्टिकल 31 में था ना आपका ये पहले, इसको हटा के 300A में कर दिया गया है ना, अब क्या है ये कानूनी अधिकार है ना, कि अब आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, जिसे बुनियादी ढांचा सिद्धांत भी कहा जाता है, उसका प्रतिपादन किस एक मुकदमे से किया गया था, 4 विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 22, रिस्पॉन्स करने का प्रयास सभी लोग जरूर करें,
क्वेश्चन नंबर 22, देखिए केशवानंद बनाम भारत केरल राज्य, ठीक है, ये हर साल आता है। 2020 में केशवानंद की क्या हुई है, मृत्यु हो गई है। तो केशवानंद वाद्यवाद में जो है बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, सांविधिक, संवैधानिक, मौलिक या उपरोक्त सभी। रिस्पॉन्स करें, अच्छा सवाल है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत किन किन चीजों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं भाई, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार। आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार कहना होने पर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। वहीं पे आर्टिकल 226 की अगर बात करें जो हाई कोर्ट में मिली हुई है, तो उसमें आप इन सभी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है, सदाचार, सार्वजनिक व्यवस्था, मानववाद या स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा सवाल है, बताएं। जब आर्टिकल 25 को आप ढंग से पढ़ते हैं तो उसमें आपको सदाचार, मतलब आपका जो धर्म का पालन का तरीका होगा वो सदाचार को नहीं तोड़ेगा, सार्वजनिक पब्लिक जो सेफ्टी है या पब्लिक जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर है उसे उसको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएगा, ऐसा कोई कल्चर आप नहीं फॉलो करोगे जो स्वास्थ्य के लिए अहितकारी हो, तो ये तीनों जो है शामिल है। मानववाद जो है ऐसा कुछ भी वहां पर लिखित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले के निर्णय में के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया। तो ये आप लोगों ने पढ़ाई होगा, शिक्षा का अधिकार जो है क्या मौलिक अधिकार बन गया है, किस आर्टिकल से, 21 के माध्यम से, किस एक वाद में जो है ये डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 25, रिस्पॉन्स करने का प्रयास जरूर करें। देखिए आंसर है आपका उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस पे जो है ये मामला हुआ था, जिसमें शिक्षा का अधिकार को आर्टिकल 21 ए में सम्मिलित करके इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल, बताइए, आसान भी है, व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर है आपका आर्टिकल 21, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें वर्णित की गई, आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं किसी भी आपातकाल के समय। कौन सा कथन सत्य है, पढ़ के रिस्पॉन्स करें, चार विकल्प हैं आपके सामने, कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, एक ऐसी मिलता जुलता क्वेश्चन पिछली बार पीसीएस में पूछा था। देखिए आंसर है आपका ए, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया था, ये बात सही है, बाकी स्टेटमेंट जो है आपके गलत है, ठीक है। भारतीय व्यवस्था का आधार क्या है, संविधान, संसद, ग्राम या राज्य, जो भारतीय सिस्टम चल रहा है हमारा उसका मेन आधार क्या है भाई, आधार पूछा जा रहा है, यहाँ पॉलिटिकल की बात नहीं हो रही, समझिएगा शिशु। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय व्यवस्था का आधार हमारे गांव है, ग्राम सिस्टम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्राम। उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत की जनता, संसद या विदेशों से संग्रहित संविधान। उद्देशिका के तहत संविधान का हमारे मूल स्रोत, मैंने संविधान कैसे बना या उसका मूल सोर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, समझ के उत्तर देने का प्रयास करें सभी लोग। देखिए आंसर है भारत की जनता, आप लोग जब अपना उद्देशिका पढ़े सबसे शुरुआत ही होता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ शुरुआत होती है और लास्ट में भी हम खुद को समर्पित करते हैं, ऐसे करते हैं। इनमें से किसने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है, केसी बियर, आइवरी जेनिंग्स, मुंशी या जी ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 30, आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है, आवश्यकता से अधिक कठोर किसने कहा है, जेनिंग्स ने, ध्यान दीजिएगा, किसने कहा है, जेनिंग्स ने। बियर ने कहा है अर्धसंघात्मक राज्य, ठीक है, अर्धसंघात्मक बियर ने कहा है, और आइवर जेनिंग्स ने कहा है आवश्यकता से अधिक कठोर है। इनमें से कौन जेवीपी समिति के सदस्यों में शामिल नहीं था, जेवीपी समिति जो बनाई गई थी राज्यों के पुनर्गठन संबंधित, उसमें कौन शामिल नहीं था भाई, रिस्पॉन्स करने का प्रयास करें सभी लोग। आंसर है आपका के एम
कर ध्यान दीजिएगा, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभि सीतारमैया, JVP समिति, ठीक है। इनके नाम के पहले अक्षरों से समिति बनी थी। इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको स्किप कर दीजिए भाई। भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं? 3, 11, 2, 8। देखिए इसमें अधिकतर लोग गलती करेंगे, 3 लगा के आएंगे, 3 लगा के चले आएंगे। ध्यान दीजिएगा, आंसर है इसका 8। स्थानीय शहरी स्थानीय शासन की बात करें तो 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन आपको देखने को मिलते हैं, किसी बुक में आप देख सकते हैं। पॉलिटी क्लासेस मैंने बताया भी हुआ है, ये जो अपनी डिटेल क्लासेस कराता हूँ मैं प्लस पर। भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? मेयो, रिपन, करजन या हेस्टिंग? आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34, किसको कहा जाता है भारतीय स्वशासन का जनक या पिता? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा चुका है? बात ये नहीं पूछ रहा है कि अनुच्छेद 368 से कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 368 के अंदर ही अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा सवाल है, बताइए, सभी लोग रिस्पॉन्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, तो ध्यान दीजिएगा, अब तक कुल तीन बार जो है अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा चुका है। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? बहुत अच्छा सवाल, बताइए, भाषाई अल्पसंख्यक। क्वेश्चन नंबर 36, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान में किस आर्टिकल के तहत की जाती है भाई? आंसर है आपका अनुच्छेद 350 ख के तहत, 350 ख, ठीक है, किसके तहत? 350 ख। अगला सवाल है, मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या USSR? मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ? आंसर है आपका अमेरिका, ठीक है। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38, बताइए, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में बनी परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान दीजिएगा रिस्पॉन्स करने के सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या है भाई? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिए, कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 39, इसको स्किप कर देंगे, थोड़ा सा मामला इसमें आंसर बनने में गलती होगी थोड़ी सी। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा मूल अधिकारों को छीनता है या उन्हें न्यून करती है। ये उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा, बताएं प्रकेतर। क्वेश्चन नंबर 40, सभी लोग रिस्पॉन्स कर देंगे। आंसर क्या है भाई? आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में। देखिए अनअकैडमी, किसी भी कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना और रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड जरूर यूज कर लें आप लोग PS10। डेली 8 PM पे हम लोग ये सेशन लेकर आ रहे हैं जिसमें आप लोग को GS के कभी कंपाइल्ड एक सब्जेक्ट या मिक्स सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशन है ये, आप लोग पूरी तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से PDF नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो जरूर कर लें। मेरा कोड है PS10, इसका यूज करके 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।